मोहम्मद अज़हरुद्दीन शेख, आज हम देखेंगे MSCIT जॉब रेडीनेस का इलेक्टिव सेशन डिजिटल ट्रेसिंग वेक्टर। स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू इलस्ट्रेटर के पर डिपेंड है। एडोब इलस्ट्रेटर इज़ एन एक एप्लीकेशन यूज़ फॉर डैश। एडोब इलस्ट्रेटर जो है तो एक एप्लीकेशन है जो यूज़ होती है क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, इलस्ट्रेटिंग के लिए, क्रिएटिंग टेक्स्ट इफेक्ट्स या फिर ऑल ऑफ दिस के लिए। तो एडोब इलस्ट्रेटर ग्राफिक्स ये सारों के लिए यूज़ होती है, ऑल ऑफ दिस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर्स इन इलस्ट्रेटर के पार्ट में। सपोज़ यू आर क्रिएटिंग अ फाइल इन इलस्ट्रेटर, यू वॉन्ट टू गेट प्रिंट आउट ऑफ दिस फाइल, विच कलर मोड विल यू चूज टू गेट बेटर प्रिंटिंग रिजल्ट्स। सपोज़ कीजिए कि आप बना रहे हैं, फ़र्ज कीजिए आप एक फ़ाइल बना रहे हैं इलस्ट्रेटर में और आपको अब प्रिंट आउट चाहिए इस फाइल की, तो कौन सा कलर मोड आप चूज़ करेंगे बेटर प्रिंटिंग रिजल्ट के लिए, क्या RGB, ग्रे स्केल, CMYK या फिर आप ऑल ऑफ दिस। तो हम यहाँ से CMYK लेंगे, साइन मेजेंडा येलो ब्लैक, ये कलर RGB रेड ग्रीन ब्लू इस तरह होता है, और ग्रे स्केल तो जैसा ब्लैक में मिलता जुलता होता है सुरमई, तो इसमें से CMYK इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक टूल्स पर डिपेंड। यू हैव ड्रॉन अ शेप यूजिंग द शेप टूल ऑन द टूल बार, नाउ यू वांट टू फिल अ कलर इन द शेप, विच ऑप्शन विल यू चूज टू ब्रिंग अप द कलर पिकर डायलॉग बॉक्स। आपने ड्रॉ किया है एक शेप, शेप टूल्स का इस्तेमाल करते हो टूल बार से, अब आपको फिल करना है कलर इस शेप में, तो कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करेंगे सामने कलर पिकर डायलॉग बॉक्स लाने के लिए, क्या आई ड्रॉपर लेंगे या फिर पेंट ब्रश लेंगे, स्ट्रोक वॉच या फिर फिल वॉच। तो इसका जवाब है फिल वॉच। अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं शेप, शेप टूल का इस्तेमाल करते हुए टूल बार से, तो कलर से करने के लिए शेप में हम कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स फिल वॉच स्वैच से लेंगे, फिल स्वैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू वॉन्ट टू व्यू द एनलार्ज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट द डैश टूल फ्रॉम द टूल बार। सपोज़ कीजिए कि आपको देखना है बड़ा करके पार्ट डॉक्यूमेंट का, कौन सा टूल्स आप लेंगे इसमें से टूल बार से, क्या जूम लेंगे, टेक्स्ट सेलेक्शन या फिर ब्रश। तो अगर हम जूम लेते हैं तो उससे हम एनलार्ज कर सकते हैं पार्ट किसी भी डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है सेविंग पर। डैश फाइल फॉर्मेट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वेक्टर्स फॉर वेब एंड मल्टीमीडिया। इनमें से कौन से टाइप की फाइल फॉर्मेट यूज़ होता है हाई क्वालिटी वेक्टर वेब और मल्टीमीडिया के लिए, क्या वो EPS है या SVG है या FXG है या फिर PDF है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इनमें से क्या है। तो इनमें से SVG का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, PDF का जैसे हमने देखा था पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, EPS का फुल फॉर्म होता है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, और FXG का होता है फ्लैश XML ग्राफिक्स। तो इनमें से SVG जो है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये फाइल फॉर्मेट हाई क्वालिटी वेक्टर्स डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग एंड पेंटिंग टूल्स पर डिपेंड है। इन एडोब इलस्ट्रेटर CS4 द डैश टूल इज़ यूज टू ड्रॉ लाइन्स। एडोब इलस्ट्रेटर में CS4 जो होता है कास्केड स्टाइल्स शीट्स जो होते हैं, तो इनमें से कौन सा टूल्स इस्तेमाल होता है ड्रॉ करने लाइन्स, क्या वो एंकर पॉइंट है, लाइन, पेन या ब्रश। तो एडोब इलस्ट्रेटर कास्केड स्टाइल्स शीट्स में पेंस हम लेते हैं लेंगे अगर, तो पेन टूल इस्तेमाल होगा ड्रॉ करने लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Fidelity value is the value that decides the dash of path. Fidelity value एक value होती है जो decide इनमें से क्या करती है path का roughness, smoothness, strokes या फिर lines. तो fidelity value एक value है जो decide करेंगी roughness path की. Next question. The dash tool is actually a shape tool used to draw the vector shape of an line. तो इनमें से कौन सा टूल एक्चुअली शेप टूल है जो ड्रॉ करने में मदद करता है वेक्टर शेप एक लाइन का? क्या वो ब्रश है, पेन है, लाइन है या फिर एंकर पॉइंट है? तो एक लाइन टूल एक्चुअली एक शेप टूल है जो ड्रॉ करेगा वेक्टर शेप लाइंस का. नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड है यूजिंग ग्राफिक्स पर. ट्रेसिंग इज़ द फास्टेस्ट वे टू कन्वर्ट अ डैश इमेज टू एन एडिटेबल वेक्टर आर्ट. ट्रेसिंग एक फास्टेस्ट वे है जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनमें से कौन सी इमेज एडिटेबल वेक्टर आर्ट में, क्या प्रिंटेड या फिर जेपीजी या पीडीएफ या फिर स्कैंड इमेज, कौन सी इमेज? तो स्कैंड जो है ट्रेसिंग एक फास्टेस्ट वे है कन्वर्ट करने की स्कैंड इमेज को एडिटेबल वेक्टर आर्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है वेक्टर ट्रेसिंग ऑटो एंड मैनुअल्स पर. टू प्लेस एन इमेज एज अ टेम्पलेट लेयर फॉर ट्रेसिंग यू नीड टू क्लिक द प्लेस ऑप्शन फ्रॉम द डैश मेन्यू. प्लेस करने की इमेज को टेम्पलेट लेयर के तौर पर ट्रेस जिसे हम कर रहे हैं तो प्लेस ऑप्शन को कौन से मेन्यू से हमें जाना होगा, क्या व्यू या एडिट या फाइल या सेलेक्ट मेन्यू? तो एक इमेज प्लेस करने टेम्पलेट के तौर पर लेयर की ट्रेसिंग में आप प्लेस कर सकते हैं इसे फाइल मेन्यू से. नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस सेशन में और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, रीडिंग के पार्ट है तो आप उसे रीड कीजिए. तो ये था हमारा MSCIT जॉब रेडर्स का इलेक्टिव सेशन डिजिटल ट्रेसिंग वेक्टर. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.